पीएम मोदी ने 23 लोगों को दिया नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड, बोले यह नए दौर को समय से पहले पहचान देने का आयोजन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के भारत मंडपम में नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड्स कार्यक्रम में मौजूद हैं। क्रिएटर्स की सभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि युवाओं को और उनकी क्रिएटिविटी को सम्मान देने के लिए यह अवार्ड पहली बार आयोजित किया जा रहा है। यह नए दौर को समय से पहले पहचान देने का आयोजन है। मोदी ने कहा कि महाशिवरात्रि के मौके पर काशी में तो शिवजी के बिना कुछ नहीं चलता है। भगवान शिव भाषा, कला और क्रिएटिविटी के रचनाकार माने गए हैं। साथ ही मोदी ने इंटरनेशनल वुमेंस डे की भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि मैं पहली बार देख रहा हूं कि पुरुष भी ताली बजा रहे हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही गैस सिलेंडर के रेट कम करके आया हूं। मोदी ने कार्यक्रम में 23 लोगों को सम्मानित किया। उन्होंने कथावाचक जया किशोरी को बेस्ट क्रिएटर फॉर सोशल चेंज का अवार्ड दिया है। साथ ही कल्चर एम्बेसडर ऑफ द ईयर का अवार्ड मैथिली ठाकुर को दिया है। मोदी की स्पीच की 5 मुख्य बातें। मोदी ने क्रिएटर्स को बधाई देते हुए कहा, किसी सेक्टर की महाशक्ति ने सरकार को प्रेरित किया हो कि कब तक बैठे रहोगे, कुछ तो सोचो, इसलिए भी आप बधाई के पात्र हैं। इसका श्रेय भारत के हर कंटेंट क्रिएटर को जाता है। आपने जो हिम्मत दिखाई उसी के कारण आज आप सब यहाँ पहुँचे हैं और देश बड़ी आशा के साथ आपको देख रहा है। आपका कंटेंट पूरे भारत में ज़बरदस्त इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। मोदी ने कहा, साथियों एक ज़माने में हम लिखा देखते थे कि यहाँ बहुत टेस्टी फूड मिलता है, लेकिन आज दुकान वाले लिखते हैं यहाँ हेल्दी फूड मिलता है। यह बदलाव समाज में भी आ रहा है, इसलिए कंटेंट ऐसा हो जो लोगों को प्रेरित करे। मोदी बोले, मैंने लाल किले से बेटियों के अपमान का विषय उठाया था। मैंने पूछा था कि बेटी घर देर से आए तो आप पूछते हैं, बेटे को क्यों नहीं पूछते। मैं कंटेंट क्रिएटर से पूछता हूं कि यह मैसेज हम कैसे कन्वे कर सकते हैं। मोदी ने कहा कि पश्चिमी देशों में सोच है कि भारत में वर्किंग वुमेन नहीं है। गाँव में आप देखेंगे इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी माताएं बहनें करती है। हम यह जो गलत परसेप्शन बने हैं उसे बदल सकते हैं। मोदी ने मेंटल हेल्थ पर बात करते हुए कहा, मैं देखता हूं कि मेंटल हेल्थ विषय के लिए कई क्रिएटर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमें इस पर और काम करने की ज़रूरत है। इन लोगों को दिया गया सम्मान। सेलिब्रिटी क्रिएटर ऑफ द ईयर अमन गुप्ता, बेस्ट नैनो क्रिएटर पीयूष पुरोहित, बेस्ट माइक्रो क्रिएटर अरिदमन, बेस्ट क्रिएटर इन गेमिंग कैटेगरी निश्चय, बेस्ट हेल्थ एंड फिटनेस क्रिएटर अंकित बयानपुरिया, बेस्ट क्रिएटर इन एजुकेशन कैटेगरी नमन देशमुख, बेस्ट क्रिएटर इन फूड कैटेगरी कविता सिंह, मोस्ट क्रिएटिव क्रिएटर आरजे रौनक, मोस्ट क्रिएटिव क्रिएटर महिला श्रद्धा, हेरिटेज फैशन आइकन जाह्नवी सिंह, स्वच्छता एम्बेसडर मल्हार कलांबे, बेस्ट क्रिएटर इन टेक कैटेगरी गौरव चौधरी, फेवरेट ट्रैवल क्रिएटर कामिया जानी, बेस्ट इंटरनेट क्रिएटर ड्रू फिक्स, कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर मैथिली ठाकुर, बेस्ट क्रिएटर फॉर सोशल चेंज जया किशोरी, फेवरेट ग्रीन चैंपियन पंक्ति पांडे, डिसरप्टर ऑफ द ईयर रणवीर अल्हापादिया, बेस्ट स्टोरी ट्रेलर कीर्तिका गोविंदा सामी, मोस्ट इम्पैक्टफुल एग्री क्रिएटर लक्ष्य डबास, न्यू इंडिया चैंपियन अवार्ड अभी और न्यू। 20 कैटेगरीज में दिए गए हैं अवार्ड। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड्स 20 कैटेगरीज में दिए गए हैं। इनके लिए करीब 1.5 लाख नॉमिनेशन मिले थे। वोटिंग राउंड के दौरान विनर्स का सिलेक्शन करने के लिए लगभग 10 लाख वोट डाले गए। इसके बाद इन 3 इंटरनेशनल क्रिएटर्स समेत 23 विजेताओं का चुनाव किया गया। पीएम मोदी जिन 20 कैटेगरी में अवार्ड्स दे रहे हैं उनमें नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड्स, बेस्ट स्टोरी राइटर, सेलिब्रिटी प्रोड्यूसर, ग्रीन चैंपियन अवार्ड, सोशल चेंज बेस्ट क्रिएटर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर,
कल्चरल एम्बेसडर, इंटरनेशनल प्रोड्यूसर, ट्रेवल प्रोड्यूसर, क्लीनलीनेस एम्बेसडर, न्यू इंडिया चैम्पियन, टेक क्रिएटर, हेरिटेज फैशन आइकन, बेस्ट क्रिएटर मेल फीमेल फूड कैटेगरी, बेस्ट प्रोड्यूसर एजुकेशन, बेस्ट क्रिएटर गेमिंग कैटेगरी, बेस्ट क्रिएटर, बेस्ट माइक्रो प्रोड्यूसर, बेस्ट नैनो प्रोड्यूसर, बेस्ट हेल्थ एंड फिटनेस प्रोड्यूसर शामिल है। मन की बात के 110वें एपिसोड में किया था जिक्र नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड के बारे में। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात के 110वें एपिसोड में बताया था। पीएम मोदी ने कहा था कि सरकार ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के टैलेंट का सम्मान करने के लिए नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड की शुरुआत की है। पीएम ने यह भी कहा था देश के युवा जो कंटेंट तैयार कर रहे हैं उनकी आवाज़ आज बहुत प्रभावी हो गई है। मैं कंटेंट क्रिएटर से आग्रह करूंगा कि वे इनमें शामिल हो। अगर आप भी ऐसे दिलचस्प कंटेंट क्रिएटर्स को जानते हैं तो उन्हें नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड के लिए नॉमिनेट ज़रूर करें। कुलदीप वर्मा, बुंदेली न्यूज़, हरपालपुर। शुभम यार निकाल दो नहीं सुनो फोटो साथ में वीडियो भी इंटरनेशनल क्रिएटर इस अवार्ड में तीन लोगों के नाम हैं किली पॉल फ्रॉम तंजानिया and Cassandra Mace Pittman, the German singer. And we have one more award winner in this Best International Creator category, and he is Drew Hicks. He's an American with Hindi and Bhojpuri skills, and he's gained fame for fluent Hindi and Bihari accent. So, aap Hindi bhi bolte hain, Bihari bhi bolte hain. Yahan log aapki Bihari sunna chahenge. मैं इतना नर्वस फील कर रहा हूँ कि लगता है भोजपुरी हिंदी इंग्लिश सब बोल गया मैं, बट कोशिश करूँगा। जो भी बोल सकते बोल लीजिए। नहीं मैं बहुत खुश हूँ धन्यवाद अवार्ड के लिए, और मैं बस लोगों को खुश करना चाहता हूँ और भारत का नाम रोशन करना चाहता हूँ। अगर इसमें मैं सक्सेसफुल हूँ तो मैं खुश हूँ। ये टैलेंट कैसे आपको कैसे इस तरफ रुचि बनी और कैसे आपकी जिंदगी यात्रा शुरू हुई? मेरा पापा एक्चुअली BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया था, तो मैंने बचपन में कुछ टाइम वहीं पे बनारस में स्पेंड किया और फिर पटना में। वो एक्चुअली मिथिला पेंटिंग्स का भी बिजनेस में था कुछ टाइम के लिए। हाँ, तो फिर उसके बाद बचपन के बाद मैं वापस US गया, बट US में मन नहीं लगा, मेरे को लगा मुझको जल्दी घर वापस आना है, तो मैं आ गया। चलिए आपको बहुत बहुत शुभकामना, आपका एक वाक्य भी इस देश के नौजवानों के लिए बहुत इंस्पायर करेगा। शुक्रिया, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। और हमारे देश के टूरिज्म पोटेंशियल को सामने लाने वाले बेस्ट ट्रैवल क्रिएटर अवार्ड के विनर हैं कामिया जानी, द फाउंडर ऑफ गर्ली टेल। हमारे देश के कई ऐसे पहलुओं को सामने रखा है जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड रहे हैं। So the beauty of India has been showcased by... And now the most impactful Agri Creator Award. This award goes to Laksh Dabas. I invite his brother, Viral Dabas, to receive the award on his behalf. कृषि को लेकर इनोवेटिव टेक्निक से कैसे हम कृषि को समृद्ध कर सकते हैं, इसी पर काम करते रहे हैं लक्ष्य दबास। बधाई हो, आपका लक्ष्य सफल हो। बहुत बहुत शुक्रिया इस मंच से बुलाने के लिए पदंत सर। मैं ब्रिडाल डबास, हम जैविक किसान हैं। देश की ज़रूरत ज़रूर थी 1970s में कि एक ग्रीन रेवोल्यूशन आया गया, लेकिन उसके बाद देश बढ़ा और आज देश की ज़रूरत जैविक खेती की है, जिसमें कोई रसायन कोई पेस्टिसाइड हमारे खाने में जो जहर हम डालते हैं वो ना डाला जाए। इसी संदर्भ में हमने 30,000 से ज़्यादा किसानों को अपने खेत में बुला के, हम जड़खोड़ खेत से बिलोंग करते हैं जो दिल्ली सोनीपत बॉर्डर पे हैं, बुला के कैसे जैविक खेती की जाती है, किस तरह कीटों से बचाया जाता है, उस संदर्भ में उनको सिखाया है। अगर हम सरसों का तेल निकालते हैं तो एक्सपेलर यूनिट नहीं, जो प्राचीन समय में कच्ची घानी का तेल हुआ करता था। अगर हम गाय पाल रहे हैं, जर्सी HF नहीं, जो हमारी
देसी गाय है, गिर है, सहवाल है, थारपारकर है, राठी है, क्यों उसको ही हमें ज्यादा सेवा करनी चाहिए? उसके दूध में और उसका जो घी बनता है, क्या उसमें ज्यादा प्रोटीन कंटेंट होता है और हमारे शरीर के लिए क्यों वो ज्यादा जरूरी है? इसी संदर्भ में हमारा उद्देश्य रहता है। और देखिए लक्ष्य, आप स्वयं तो एक मिशन बोर्ड में इस काम को कर रहे हैं, लेकिन आज आपका यहां आने से इनको भी और देश को पता चलेगा कि ऐसे नौजवान, जबकि दुनिया कुछ अलग सोचती है, ये अलग सोच रहा है। लोग लक्ष्य की मजाक उड़ाते होंगे, क्या यार तुम ये गाय पीछे पड़े हुए हो, उसके बाद भी वो उसको समर्पित है। आप कभी गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी से मिले हैं? नहीं सर, ये अवसर नहीं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, एक बार उनके साथ बैठिए। वो एक मिशन मोड में ये नेचुरल फार्मिंग पर काम करते हैं, कुरुक्षेत्र में उनका एक फार्म भी है, और गुजरात में करीब उन्होंने 3 लाख किसानों को नेचुरल फार्मिंग की तरफ ले गए हैं, और जो उसके रिजल्ट आए हैं बहुत ही एनकरेजिंग है। दूसरा, लोगों में एक भ्रम है जिसको आप ठीक कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग दोनों अलग है। कुछ लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में शुरू में इनकम का बहुत लॉस होता है, उसके कारण कोई किसान हिम्मत नहीं करता। नेचुरल फार्मिंग में लॉस नहीं होता है, और धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्वालिटी बढ़ती है, एकरेज बढ़ता है। मैं चाहूंगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा आप आचार्य देवव्रत जी से जरूर मिलिए। यूट्यूब पर उनके बहुत सारे लेक्चर हैं, आप उसको देखिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेलिब्रिटी क्रिएटर अवार्ड, और ये अवार्ड दिया जा रहा है अमन गुप्ता को। एक उद्यमी के तौर पर अपनी सफलता और अपने इनोवेटिव बिजनेस स्ट्रेटजीज के लिए मशहूर शार्क टैंक इंडिया में भी शामिल अमन गुप्ता। अमन, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच। आप तो सक्सेसफुल है अपने जीवन में भी और दुनिया को भी दिखा रहे हो, जरा बताइए। तो सर, 2016 में जब स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया आया था, हमने अपनी कंपनी स्टार्ट करी थी सर। बोर्ड तो जब हमने स्टार्ट करी थी तो लोग बोलते थे कि ये क्या कर लेंगे, यू नो, ऐसा छोटा सा ब्रांड है, कुछ नहीं कर पाएंगे। और आज सर 2024, 7 साल बाद सर, वी आर वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट सर, विश्व सेकेंड लार्जेस्ट ऑडियो ब्रांड सर। 2021 में सर कोविड आया सर, हमारा सारा सामान इंडिया के बाहर बनता था सर। 2021 में आपने मेक इन इंडिया स्टार्ट किया सर, यहाँ पहन के घूमते हैं सर प्राउडली हम। और सर आज की टाइम सर 70% ऑफ आवर प्रोडक्ट्स आर नाउ मेड इन इंडिया सर। तो सर अभी अगला हमारा बस यही विजन है सर कि इंडिया से कोई ब्रांड, अच्छा ब्रांड इंडिया से बाहर जाए, और जैसे यहाँ पे जब कोई फिरंगी प्रोडक्ट आता है और लाइन लगती है, हम चाहते फिरंगी भी हमारा प्रोडक्ट लाइन लगा के खरीदे सर। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। थैंक यू। बेस्ट क्रिएटिव फॉर सोशल चेंज, और इस अवार्ड की विनर है जया किशोरी, जिन्हें आधुनिक दौर की मीरा कहा जाता है। वन ऑफ द यंगेस्ट स्पिरिचुअल ओरेटर्स, शी शेयर स्टोरीज एंड टीचिंग्स फ्रॉम भगवद गीता एंड रामायण इन इंसाइटफुल मैनर। बहुत बहुत बधाई आपको। स्वच्छता एम्बेसडर है मल्हार कलांबे, अ नोटेड एनवायरमेंटलिस्ट जो 2017 से प्रति सप्ताह स्वच्छता अभियान चलाते रहे हैं, स्वच्छता और सतत विकास को लेकर जागरूकता भी फैलाते रहे हैं। दैट्स मल्हार कलांबे। मल्हार, ये जो लोग क्रिएटर्स हैं ना, उसमें कुछ लोग वो भी हैं जो क्या खाना चाहिए वो भी कहते हैं। इस पुरस्कार के लिए शुक्रिया।
मैं बेसिकली एनवायरमेंटलिस्ट हूँ। हम पिछले 6.5 साल से मुंबई में स्वच्छता मुहिम चला रहे हैं आप ही से प्रेरणा लेके। पिछले 6.5 सालों में हमने 500 से ज़्यादा क्लीनअप ड्राइव्स ऑर्गेनाइज की है, 80 लाख किलो से ज़्यादा कचरा मुंबई से साफ किया है। बट इतने सालों में मैंने एक चीज़ देखी है कि लोगों को कचरा उठाने में शर्म आती है, लज्जा लगती है। कई लोगों ने मुझे कचरे वाला तक कहा है, बट मैं एक चीज़ में विश्वास रखता हूँ कि अगर देश साफ करना है तो हाथ तो गंदे करने पड़ेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने युवकों को बड़ी प्रेरणा दी है और अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज उनके साथ जुड़ती हैं, काफी मेहनत करते हैं और नियमित रूप से करते हैं, ऐसा नहीं टोकनिज्म करते हैं, और उन्होंने एक वातावरण बनाया है। मैं आपको बहुत बधाई देता हूं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा थोड़ा बट सर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अपने अंकित भैया के साथ लास्ट ईयर स्वच्छ भारत दिन के दिन क्लीनअप किया था, ये मेरी भी एक इच्छा है कि कभी आपके साथ क्लीनअप कर पाऊं। वाह, थैंक यू, जरूर जरूर मौका मिलेगा। और हमारी हर प्रकार की सफाई में काम आ सकता है, इस चुनाव में भी सफाई होने वाली है। कीर्तिका गोविंद स्वामी, नोन एज कीर्ति हिस्ट्री, शी एजुकेट्स अबाउट द रियल हिस्ट्री विद यूनिक पर्सपेक्टिव, गेनिंग पॉपुलैरिटी फॉर हर एंगेजिंग अप्रोच टू इंडियन हिस्ट्री। ओहो बाबा, अब पैर नहीं छू। देखिए वैसे पॉलिटिक्स में पता नहीं देश में परंपरा बन गई, लोग पैर छूते हैं। कला जगत में पैर छूना उसका भाव अलग है, लेकिन मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ। और उसमें भी अब कोई बेटी, मैं सुनना चाहूंगा आपके विषय में कुछ। अंसौगी, मुझे हिंदी समझ कर सकती हूँ बट बोलने के लिए थोड़ा मुश्किल है। आपको जो मर्जी पड़े बोलो। ये देश बहुत बड़ा है, किसी न किसी कोने में तो हाथों सुनने वाला मिल ही जाएगा। एलाको वनकुम, आई वुड रियली लाइक टू अप्रिशिएट a honorable prime minister for the fact that you have taken up Tamil in a lot of stages and you said like Tamil. So I should must start with vanakkam. Yeah, vanakkam. So I'm really grateful for that. I always felt like it lacks a national platform which you brought here, so I'm really grateful for that, sir. I'm so honored, I'm just shaking, I don't know what to say. Thank you so much. Ne aapko anubhav kya aa raha hai jab aap, kyunki itihas se kuch ghatnaye uthati hai और बड़ा, अब तो जहाँ से ये काम कर रही हैं थोड़ा तकलीफ वाला इलाका है, तो क्या फील करती हैं आप? आई वुड से इट्स लाइक इट्स लिटिल कॉम्प्लिकेटेड सिंस यू नो हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स आर लाइक इंटरकनेक्टेड, सो इट्स लाइक आई गेट अ लॉट ऑफ टोल आल्सो, बट दैट्स फाइन, इट्स जस्ट शेयर विद द फैक्ट्स एंड ऑल। टीनएजर का जो ग्रुप है, हाँ, जो सबसे ज्यादा अपना समय यहाँ बिताता है, मतलब आप लोगों के लिए वो समय घटता करता है, उनको कौन सी चीजें ज्यादा अपीलिंग लगती है? दे लाइक एक्चुअली इन माय ऑडियंस आई हैव अ लॉट ऑफ टीनएजर्स एंड दे रियली वॉच थिंग्स। इन सब के वो सारे खिलाड़ी टीनएजर्स ही है। दैट्स ट्रू। So they really like things about the stories which talks the greatness of India. So that kind of stories they really like a lot. उनको अच्छा लगता है। या People really feel proud of it. बहुत सेवा कर रहे हैं आप देश की। थैंक यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। रणवीर अलाहाबादिया, वी नो हिम एज बियर बाइसन, ही फोकसेस ऑन फिटनेस, स्पिरिचुअलिटी एंड लाइफस्टाइल थ्रू हिज द रणवीर शो। बधाई हो, तो आज भी कुछ फिटनेस का मंत्र देंगे लोगों को? योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। तो फिर तो ये लोग कहेंगे कि मोदी जी की बात बता रहा है। तो फिर कहेंगे तुम बीजेपी वाले हो गए हो। नहीं सर, मोदी जी शायद यूथ की बातें कर रहे हैं, तो पूरा यूथ ही मेडिटेशन कर रहा है। आप बस वही बात फिर से कह रहा हूं मैं। कभी आप, मैं आपको पूरी तरह तो फॉलो कभी किया नहीं है। क्यों सर? क्योंकि बहुत कठिन होता है जी, मुझे खुद को 50 साल छोटा करना पड़ेगा।
तब जाकर के आपके साथ थोड़ा वेवलेंथ बैठेगा। मेरा वेवलेंथ नहीं, मैं विषय पूछना, क्या नींद के संबंध में आपको कार्यक्रम करते हैं? कभी कभी एलियंस येटीज के सपने आते हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सचमुच में नींद की बहुत उपेक्षा हो रही है जी, जबकि पूरी दिनचर्या में पहला टाइम टेबल नींद तय करनी चाहिए। मैं बहुत उल्टा बता रहा हूं आज, क्योंकि मैं उसका भुक्त भोगी हूं। मैं नींद के संबंध में बहुत ही इनडिसिप्लिन हूं, मैं बहुत कम सोता हूं और मेरे सब लोग मुझे डांटते रहते हैं, और कई सालों से मेरी बीमारी आ गई है, मैं बहुत कम सोता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं लोग पूरी नींद सोते रहे, ऐसा मैं नहीं चाहता हूं। मेरा जगाना, लोगों को जगाना मेरा काम है, लेकिन नींद के संबंध में हम ज्यादा उतने जागृत नहीं है, कभी उस पर सोचिए ना जी। जी, योग निद्रा करनी चाहिए। योग निद्रा अलग है जी, वहां मत ले जाइए। देखिए, योग निद्रा वो विषय है जो नॉर्मली नींद से कठिनाइयां है, नहीं हो पाती तो नींद योग निद्रा कर लिया तो उनका 3-4 घंटा और निकल जाता है। आपके साथ पॉडकास्ट करने का मूड हो रहा है सर। अरे वाह। चलिए, मूड तो सारे के बहुत होते हैं भाई। ऑल द बेस्ट। आइए हम एक साथ मिलकर एक क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ आप लोगों से अपेक्षा कर रहा हूं, क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करें। हम भारत से जुड़ी स्टोरीज को, भारत की संस्कृति को, भारत के हेरिटेज और ट्रेडिशंस को पूरी दुनिया से शेयर करें। हम भारत की अपनी स्टोरीज सबको सुनाएं। लेट अस क्रिएट ऑन इंडिया, I create for the world। आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करिए जो आपके साथ ही आपके देश, हम सबका देश भारत को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दे। और इसके लिए हमें ग्लोबल ऑडियंस को भी एंगेज करना होगा, दुनिया की यूनिवर्सिटीज के साथ, दुनिया के नौजवानों के साथ जुड़ना होगा। आज पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते हैं। आप में से कई लोग विदेशी भाषा को जानते हैं, नहीं जानते होंगे तो आप तो एआई की मदद से काम हो सकता है, कुछ लोग सीख भी सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा यूएन लैंग्वेज में, जर्मन, फ्रेंच, पेरिस जैसे लैंग्वेज में कंटेंट बनाएंगे तो आपकी और भारत की भी रीच बढ़ेगी। हमारे अड़ोस पड़ोस के देश हैं, उनकी भाषाओं में हम कुछ करें, हमारी एक अलग पहचान बनेगी। द बेस्ट क्रिएटर इन टेक कैटेगरी, और इसके विनर हैं टेक्निकल गुरुजी के नाम से जाने जाने वाले गौरव चौधरी। आपका पहला टेक चैनल है जो 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स के मार्क को क्रॉस कर गया, एंड यू इवन कवर्ड यूपीआई इन पेरिस। दैट्स गौरव चौधरी। चलिए भाई, आज की दुनिया का इंसान है, कुछ बताएगा हमें। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, मैंने 2015 अक्टूबर में अपना चैनल शुरू किया था, और उसका एक बहुत बड़ा कारण है डिजिटल इंडिया, जो जुलाई के महीने में शुरू हुआ था। उससे एक साल पहले जब आपने मेक इन इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट किया तो हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी के फील्ड में स्पेशली इंडिया, जो हमेशा से हम जानते हैं कि हम सभी का जो टैलेंट है वो तो बहुत अच्छा है ही, लेकिन जैसे हमने देखा कि हमारे देश में जब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई, जो बाहर की कंपनियाँ भी इंडिया में आ रही हैं, तो उससे मुझे लगा कि क्यों ना मैं अगर अपना थोड़ा नॉलेज शेयर कर पाऊँ, तो बस वही स्टार्ट किया है। आपने ध्यान में आया होगा एक विषय को लेकर के मैं भारत काफी कुछ कर रहा है, और दुनिया को भी मैं कहता रहता हूं, सभी दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से इस विषय में मेरी जरूर चर्चा होती है। और भारत का जो डिजिटल इंडिया का सक्सेस है,
ये तो गौरव बराबर अच्छे तरह जानते हैं क्योंकि उसी फील्ड में काम करते हैं। लेकिन मेरा एक आग्रह रहता है कि उज्जवल भविष्य के लिए हमें टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करना चाहिए। हमारा यूपीआई ये इसका बहुत बड़ा सिंबल है। ये कुछ लोगों की बपोती नहीं है, ये सबकी मालिकी है और दुनिया तभी आगे बढ़ेगी। कोई उसका एक बड़ा कंपनी का मालिक बन गया और दुनिया बांट रहा है, ऐसा नहीं। हम उसको डेमोक्रेटाइज करते हैं और मैं मानता हूं जितना ये पहलू आपके माध्यम से पहुंचेगा कि टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने की क्यों जरूरत है, दुनिया के उज्जवल भविष्य के लिए थोड़ा सीरियस विषय लगेगा। लेकिन मैं गौरव जैसे दोस्तों से चाहूंगा कि आप इसको जरा बल दीजिए। सर, मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो हम सभी को एक ताकत देती है आज की दुनिया में। मैं अभी पेरिस में गया था पिछले हफ्ते और मैंने जब वहाँ की टिकट यूपीआई से खरीदी तो बहुत खुशी हुई। और मुझे लगता है कि इंडिया के पास में वो सारे सॉल्यूशंस हैं जो पूरी दुनिया के देश जो है अपनी जगहों पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो जरूर से कोशिश रहेगी। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। देश के टूरिज्म पोटेंशियल को सामने लाने वाले बेस्ट ट्रैवल क्रिएटर अवार्ड के विनर है कामिया जानी, द फाउंडर ऑफ कर्ली टेल। हमारे देश के कई ऐसे पहलुओं को सामने रखा है जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड रहे हैं। सो द ब्यूटी ऑफ इंडिया हैज बीन शोकेस्ड बाय हर इन हर वीडियोस। दैट्स कामिया जानी। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू कामिया जी। बताइए। मुझे घूमने का बहुत शौक है और मुझे लगता है कि जब हम ऑफिस से थके आ रहे आते हैं या वीक भर पूरा काम करते हैं, वीकेंड में हमें एंजॉय करना चाहिए। जो इतनी ब्यूटीफुल नेचुरल ब्यूटी हिंदुस्तान में है वो एंजॉय करनी चाहिए। और मुझे लगता है भारत सबसे ज्यादा खूबसूरत देश है और यही ऑब्जेक्टिव है कि ग्लोबल मैप पर भारत नंबर वन पर हो बस। और फिलहाल कंफ्यूज हूं, लक्षद्वीप जाऊं या द्वारका। द्वारका आपको काफी नीचे जाना पड़ेगा। लेकिन वो मेरा अनुभव बहुत ही अद्भुत था। खैर, उसकी बात कभी फिर करूंगा। लेकिन मैं नहीं मानता सब टूरिस्टों के लिए कितना सुविधाजनक होगा। लेकिन अब जैसे मैं आदि कैलाश गया था, आदि कैलाश हमारा काफी ऊंचे टॉप पर है और दूसरी तरफ मैं यहां द्वारिका में काफी मीटर नीचे चला गया पुरानी द्वारिका देखने के लिए। आप ये जब भारत के इन धरोहर का परिचय करवाती हो तो मैं एक विषय, दो विषय लेकर इन दिनों चल रहा हूं। उसमें आप जो क्रिएटर्स होते हैं मदद कर सकते हैं। एक, हमारे लोग क्या करते हैं, जैसे कहीं चले गए सोमनाथ तो बस में, ट्रेन में अपनी कार से उतरेंगे, भागेंगे और जैसे भगवान अभी कहीं जा रहे हैं तो पकड़ो, उनके दिमाग में यही रहता है तो दौड़ो पकड़ो। और फिर एक बार देख लिया तो इधर उधर छुट्टी। मैं कहता हूं भाई ऐसा क्यों करते हो, जहां जाते हो कम से कम एक रात रुकिए। टोटल जो आपका बजट है, टूर ट्रैवल का टोटल बजट है, कम से कम 5% 10% लोकल कुछ न कुछ चीज खरीदिए, लोकल प्रोडक्ट खरीदिए। अब फिर आप कहेंगे नहीं हमने पानी पूरी खरीदी थी, ऐसा नहीं। खाना वाना तो कंपलसरी है, खाएंगे, लेकिन कोई वहां की प्रोडक्ट, क्योंकि हमारे देश की जो ये भी एक सामर्थ्य है और वहां की इकोनॉमी को बहुत बड़ा बल मिलता है। अब जैसे मान लीजिए आप बद्रीनाथ गए और वहीं से थोड़ा एक 5 किलोमीटर दूर मणा गांव गए और मणा गांव से हैंडीक्राफ्ट खरीदा तो हिंदुस्तान का वो पहला गांव, उसके बाद चाइना आ जाता है, वो पहला गांव वहां के कुछ चीजें खरीद करके अपने गांव ले जाओगे, देश की एकता को हमेशा हमेशा बनाए रखने का काम आएगा। तो कभी आप ऐसे विषयों को भी अगर प्रमोट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, बहुत सारे मंदिर कवर किए हैं मैंने अपने वीडियोस में और आपका बहुत बड़ा थैंक यू क्योंकि अब सारे ही मंदिरों को बहुत ही नया रूप मिल चुका है। तो थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू। अगले कुछ दिनों में
लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि आज का ये इवेंट इसके लिए है। आपको गारंटी देता हूं कि हो सका तो नेक्स्ट शिवरात्रि पर भी, या तो डेट कोई और हो सकती है, या ऐसा कार्यक्रम मैं ही करूंगा। लेकिन मैं लोकसभा चुनाव का विषय उस अर्थ में नहीं लाया हूं, क्योंकि मुझे भरोसा है मुझसे ज्यादा मेरे लिए आप मरते हैं। और आप मेरे लिए इसलिए मरते हैं क्योंकि मैं आपके लिए जीता हूं, और जो अपने लिए नहीं जीता है उसके लिए मरने वाले बहुत होते हैं जी। पहले नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स यानी पहला है, ये आयोजन नए दौर को समय से पहले पहचान देने का आयोजन है। और कुछ लोग मुझे कभी कभी पूछते हैं कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है, ऐसा मुझे पूछते हैं। मैं हरे को जवाब नहीं देता हूं, कोई रेस्टोरेंट वाला अपना किचन दिखाता है क्या? लेकिन आपको मैं बता देता हूं, ईश्वर कृपा है, मैं समय से पहले समय को भांप सकता हूं, और इसलिए ये पहला ऐसा अवार्ड है जो शायद आने वाले दिनों में बहुत प्रमुख स्थान लेने वाला है।